ये क्लिप एक्चुअली मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन ये इटालियन माफिया राहुल गांधी का मैं एक क्लिप अभी भी सुना मैं, वो हमारे प्रधानमंत्री को तू 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 करके भाषा बात कर रहे हैं। तेरे को शर्म नहीं आती राहुल गांधी? तू इटालियन माफिया है, तू साले हमारे देश के एक्सरे की बात करता है, बेशरम बंदा। हमारे प्रधानमंत्री को तू इस तरह से तू 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 करके बात करता है? तेरे माँ बाप ने यही तेरे को भाषा सिखाई? तेरे माँ बाप क्या भाषा तेरे को सिखाएंगे? तेरी माँ तो इटालियन कैथलिक क्रिश्चियन थी, ऐसे कहते रहे कि तेरी माँ उधर लंदन में बाहर में कुछ काम करती थी, और राजीव गांधी उधर गया घूमने के लिए, और वो दारू पीते के बियर पीने के टाइम उसकी पहचान हो गई। तेरे को शर्म नहीं आती? आज तक हम लोग ने हमारी भाषा को बहुत मर्यादित रखा, लेकिन आज जिस तरह से तू 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 करके तू बात कर रहा है, राहुल गांधी, राहुल विंसी, इटालियन माफिया, बेशरम आदमी, तेरे को शर्म नहीं आती? हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री को, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 50-60 साल देश के लिए दिए, 15-20 साल उन्होंने अपने घर दार छोड़ के चले गए, वो तुम्हारे जैसे परिवारवादी नहीं है, सोने के चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए नहीं है। तुम देश का एक्सरे की बात करता है? तुम्हारा एक्सरे दिखाओ भाई। तुम्हारे इटालियन फैमिली ने, इटालियन माफिया ने, राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर वो चाचा नेहरू ने देश को जो लूटा है, जितनी भी संपत्ति है तुम लोग की बाहर है, लंदन में और इसमें थाईलैंड में, यूएस में, उसका एक्सरे बताओ भाई। जो केजीबी सोवियत उन लोग तुमको जो पैसे देते थे इंदिरा गांधी के जमाने से, उस टाइम का बताओ। और तुम्हारा तो चाचा है क्रिश्चियन मिशेल, अभी भी वो जेल में, ऑगस्ट वेस्टर्न चॉपर स्कैम में, उसका एक्सरे बताओ। और तुम्हारे खुद के एक्सरे बताओ भाई। तुम यंग इंडिया फर्जी कंपनी बना के नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति तुमने कब्जा कर ली, उसका एक्सरे बताओ ना भाई। तुम्हारे खुद के जो फैमिली है, इतने दुनिया में हजारों करोड़ की तुम्हारी प्रॉपर्टी है, वो पहला एक्सरे करके लोगों को बताओ, और उसको तुम देश में बांटो। तुम्हारे जो कांग्रेस के जितने भी करप्ट, ये कांग्रेस नहीं, ये कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट माओवादी पार्टी है, ये पहले से ही, आज तुमने तुम्हारा असली चेहरा बता दिया। तुम जिस तरह से घटिया भाषा वापर रहे हो, तुम केजरी का भाई तो है ये पहले से, तुम लोग दोनों मिलके हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हो, इसीलिए अभी तेरे को भी तू तू बोल रहा हूं। तू और तू वैसे लायक भी, तू बोलने की भी लायक नहीं है, बेशरम आदमी। तुमको इतनी शौक है प्रॉपर्टी है लोगों की, लोग जो बेचारे अपने मेहनत करके अपना बच्चों के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ जमा करके रखते हैं, उसके ऊपर तुम्हारी नजर? क्योंकि तुम लोग परिवारवादी डायनेस्टी फैमिली लूटर्स हो, तुमको सारी चीजें फ्री में मिल गई, तो अभी तुम सोचते हो कि लोगों की सारी संपत्तियां लूटे और फ्री में बांटे, और वो भी किसको? विशेष समुदाय को, जो तुम खुद बोलते हो। तुमको शर्म आने चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को जो जिस तरह से बात करते हो भाई। तुम्हारे जैसे मैंने बताया, तुम्हारे माँ बाप तुमको क्या सिखाएंगे भाई? जो बाहर में काम करने वाले लोग क्या सिखाएंगे तुमको भाषा? तुम खुद जाते हो थाईलैंड में, बैंकॉक में छुट्टियां मनाने को, रंग रलिया करने को, किसी को फ्रेंड के शादी में, जो अगर नेपाल में भी जाते हो, उधर भी तुम पब बार में जाके दारू पीते हो, चाइनीज वो एम्बेसडर, और चाइनीज एम्बेसडर नेपाल के ऑफिस में कोई लड़की काम करते उसके साथ तुम रंग रलिया कर रहे, तो तुम्हारे साथ ऐसे ही भाषा करनी चाहिए? अभी तुम हमारे देश को बर्बाद करने पे उतरे हो, हमारे सनातन धर्म को तुम हमारे जातियों में बांट के, और उनको जातिगत जनगणना? बेशरम आदमी, तुम हिंदू तो है ही नहीं, तुम्हारा बाप पारसी था, तुम्हारा बाप का बाप वो भी पारसी, तुम्हारे बाप का बाप भी पारसी, तुम्हारी माँ कैथलिक क्रिश्चियन, उसकी तुम्हारी माँ की माँ वो भी कैथलिक क्रिश्चियन, तुम्हारे माँ का बाप स्टेफिनो मैनियो, जिसने मुसोलिनी के साथ काम किया हिटलर के साथ मिलके वर्ल्ड वॉर 2 में, वो भी कैथलिक क्रिश्चियन, तुम कहां से हिंदू हो सकते हो? तो भाई साहब, तुमको भाई साहब भी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बेशरम आदमी हो। तुमको शौक है प्रॉपर्टी की, तो तुम्हारी जितने भी एनडी अलायंस पार्टनर्स है, जो खानदानी लूटर्स है, डायनेस्टी लूटर्स, वो अखिलेश यादव हो, वो उद्धव साहब हो, पवार साहब हो, स्टालिन हो, जिन्होंने लूटा है देश को, उनकी प्रॉपर्टी का सर्वे पहला एक्सरे करके देश के सामने रखो, बेशरम आदमी।